नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंटेंट में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में से सिस्टम ऐप्स या ब्रॉडवेयर्स को बिना पीसी या रूट के कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो सिस्टम ऐप्स को आप कैसे बिना रूट के रिमूव कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप कोई भी एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करते हो, आप उस मेथड का यूज़ करके बड़ी आसानी से सिस्टम ऐप को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत होती है एडीबी कमांड को एक्सेस करने के लिए। तो आप फास्ट बूट कमांड्स को कैसे पीसी या लैपटॉप के बिना भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो भी आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो उसी मेथड से इस बार हम यहाँ एडीबी कमांड को एक्सेस करेंगे और बाकी की प्रोसेस यहाँ जो पहले थी वही सेम है। तो आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इस मेथड को फॉलो करके ब्लॉटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस फोन में से ब्लॉटवेयर्स को रिमूव करना है उस फोन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ रियलमी एक्स टू को यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं अभी एंड्रॉयड 11 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ हम ब्राउज़र और ऐप मार्केट को रिमूव करके देखेंगे कि एप्लीकेशन यहाँ रिमूव हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद ओटीजी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप पीसी या लैपटॉप की जगह यूज़ कर पाए, और फ़ोन या रूटेड नॉन रूटेड कोई भी चलेगा। तो इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ बग जिगर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको जो फ़ोन आप पीसी या लैपटॉप की जगह यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉल करना है। मतलब कि आपको जिस फ़ोन के अंदर से ब्लॉटवेयर्स को रिमूव नहीं करना है उस फ़ोन के अंदर, और जिसमें से आपको ब्लॉटवेयर्स को रिमूव करना है उसके अंदर आपको पैकेज नेम्स नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने जो बग जिगर नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तब आपको एक्सेप्ट करने को बोलेगा। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने पहले फ़ोन को दूसरे फ़ोन से ओटीजी से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ दोनों फोन के अंदर से परमिशंस को अलाउ कर देना है, और इसके लिए आपके फ़ोन के अंदर यूएसबी डीबगिंग भी ऑन होना चाहिए, तभी आप एडीबी कमांड्स को एक्सेस कर पाएंगे। और यूएसबी डीबगिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं वो तो आपको पता ही होगा। सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डीबगिंग को एनेबल कर देना है। अब डेवलपर ऑप्शन कैसे शो होता है उसके लिए आप गूगल कर लेना। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ नेट बंद करके रिस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, ताकि यहाँ एड्स ना देखने को मिले। तो यहाँ पर मेरा Realme X2 कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ अपने पहले फ़ोन के अंदर पैकेज नेम्स नाम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको जिस भी ब्राउजर को रिमूव करना है उसे आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले तो ब्राउज़र को रिमूव करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउज़र को सर्च कर लेता हूँ। तो ये रहा ब्राउज़र, और यहाँ आपको नीचे जो पैकेज नेम लिखा हुआ दिख रहा है उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अब आपको यहाँ दूसरे फ़ोन के अंदर जाना है, और यहाँ आपका फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं वो आपको देख लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन तो कनेक्टेड दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ जो दो एरोस दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको कमांड टाइप करना है। तो कमांड जो पहले था वही सेम है इस बार भी। तो कमांड अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एक कमांड टाइप करने के बाद आपको स्पेस करना है और ब्राउज़र का जो पैकेज नेम है उसे टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ एंटर कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है, और ब्राउज़र भी यहाँ सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। इसके बाद चलिए अब यहाँ ऐप मार्केट को भी रिमूव करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ऐप मार्केट के पैकेज नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एरर आ रही है। तो ऐप मार्केट यहाँ रिमूव नहीं हो रहा है। तो पहले तो ऐप मार्केट रिमूव हो जाता था, लेकिन अब यहाँ रिमूव नहीं हो रहा है। तो कुछ एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ रिमूव ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ ब्लॉटवेयर यहाँ रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ दूसरे फ़ोन के अंदर भी दिखा देता हूँ।
तो ये है पोको एक्स टू और ये भी एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है, तो इसके अंदर से भी गेट ऐप रिमूव करके देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको पैकेज नेम्स की ऐप को ओपन करना है और यहाँ आपको गेट ऐप को सर्च कर लेना है और इसके बाद आपको अपने पहले फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ भी आपको सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पोको एक्स टू कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ आपको कमांड टाइप करना है, उसके बाद आपको स्पेस करना है और यहाँ गेट ऐप के पैकेज नेम को टाइप कर लेना है। और इसके बाद आपको एंटर कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है और गेट ऐप भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में से सिस्टम ऐप्स या ब्रॉडवर्क्स को बड़ी आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि इससे एप्लीकेशंस कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है या सिर्फ डिसेबल ही होती है। तो ऐसा है कि इससे आपके फ़ोन के अंदर से एप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल हो जाती है, लेकिन जो APK फाइल होती है वो आपके फ़ोन के अंदर ही रहती है, जिससे अगर आप कभी भी फ्यूचर में उस रिमूव की गई एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आपको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना है तो वो तो आप सिर्फ रूटेड मेथड से ही कर सकते हैं। तो आपके लिए मेथड यूज़फुल है या नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।